हम आपको बता दें कि मामला छतारी थाना क्षेत्र के गांव सहार स्थित पहासू मार्ग का है, जहां आज गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे टेम्पो को अवैध मिट्टी खनन कर रहे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिता पुत्री की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और अन्य बहुत से लोग घायल हो गए। बताया जाता है कि टेम्पो में 5 लोग सवार थे, जो अनूप शहर गंगा से स्नान कर वापस अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को मिली, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा घायलों को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया। जबकि केंद्र की मोदी सरकार व सूबे के योगी सरकार दोनों ही सरकार अवैध खनन पर सख्ती बना हुए हैं, लेकिन खनन माफिया सांठगांठ के चलते क्षेत्र में खुले आम खनन का कार्य बेधड़क कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रेमपाल। सर क्या घटना हुई थी जो रात हुई? छतारी की तरफ आ रही और शहर पे आगे नहीं ट्रैक्टर आया, रोड पे आ गई, रोड पे आ गया, कंट्रोल से बाहर था ट्रैक्टर, हमने बचाने में ट्रैक्टर में लगे टेम्पू और टेम्पू पलट गया था, उसमें 2 एक्सपायर हो गए, विश्वास और पूजा 3 घायल हैं। सर आप उस जब घायल होने के बाद फिर आपने पुलिस को फोन नहीं किया? पुलिस को फोन करा था, कॉल गई नहीं, फिर एम्बुलेंस बुलाई हमने, जब उनको हॉस्पिटल लेकर पहुँचाई। इस टाइम जो एक्सपायर थे वो कहाँ हैं? छतारी पहासू रोड पर थाना छतारी अंतर्गत एक ऑटो ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गया, जिसकी वजह से उसमें बैठे हुए यात्रियों में से 2 लोग, एक पुरुष और एक लड़की, घायल हो जाते हैं और अपने लेवल से ही ये लोग वहां से चूंकि अलीगढ़ नजदीक है मेडिकल कॉलेज चले जाते हैं। बाद में पता चला कि चोटें ज़्यादा होने की वजह से इनकी मौत हो गई। ये दोनों ही लोग पहासू क्षेत्र के रहने वाले हैं, इनके लिए विशेष कार्यवाही पंचायतनामा PMR आदि की कार्यवाही मेडिकल कॉलेज द्वारा संपन्न। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।